उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपये नगद एवं राशन किट दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन बलिया जनपद के विकासखंड चिलघर के ग्राम पंचायत पेरही में 80 प्रवासी मजदूरों को अभी तक न तो 1000 रुपये नगद मिले हैं और न तो राशन किट ही मिला है, जिसके चलते इनके परिवारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन से पहले आप कहाँ रहते थे? बॉम्बे ही रहते थे। लॉकडाउन के बाद जब से आप घर आए हैं आपको क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत यही है कि पैसा रुपया खत्म हो गया है लॉकडाउन की वजह से। वहाँ से जो भी कमा धमा के लाए थे 10-5 रुपया, वो भी जो है खत्म हो गया। यहाँ रोजगार भी नहीं मिल रहा है 10 रुपया इधर उधर से। किसी से मांगने भी जा रहे हैं तो कोई देने के लिए राजी नहीं हो रहा है 10 रुपया। मांगने पर बोलता है कोरोना की वजह से कि हम अपना घर नहीं चला सकते हैं तो दूसरे के घर कैसे चला। अब समस्या हमारे बच्चे हैं, परिवार है, 5-6 परिवार है अपना, कैसे गुजर बसर करे समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन से पहले मैं दिल्ली में रहता था। तो दिल्ली से जब से आप आए हैं गांव पर, तो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ रहा है? देखिए, मैं दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता था, वहाँ पे कंपनी बंद होने के कारण मेरे को परिवार लेकर यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद जो भी पैसे कमाए थे वो पैसे सारे खत्म हो गए, और किसी से जब मैं पैसे भी मांग रहा हूँ तो कोई देने पे तैयार नहीं हो रहा है। भाई वो बोल रहे हैं कि जैसे हमारे पास पैसा है नहीं तो आपको पैसा दूँ कैसे। अभी तक हमारे जो पैसा था वो खर्च चलाया था। इस समय मानिए कि हमारे परिवार को स्थिति खराब हो जाए तो हम किससे पैसे मांगें। इससे पहले कि लग रहा है कि बीमारी से पहले भूख से मर जाएंगे। वीडियो बनाने के बाद समुदाय के साथ स्क्रीनिंग और मीटिंग की, इसके बाद SDM कार्यालय से टेलीफोनिक वार्ता की, इस पर बताया गया कि सभी लोगों की सूची बनाकर कार्यालय को भिजवाएं ताकि उसकी जांच कर सभी प्रवासी मजदूरों को इस सरकारी योजना का लाभ दिया जा सके। वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मैं जयराम अनुरागी बलिया उत्तर प्रदेश से इंडियन हार्ट के लिए।